हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फाइनली मैं बनारस पहुंच चुकी हूँ। अभी थोड़ी देर जस्ट पहले ही पहुंची हूँ मैं। और भाई साहब, प्रियंका ने जो आतंक मचाया। दीदी प्लीज आ जाओ, आ जाओ, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा, मैं डर रही हूँ, ये हो रही हूँ। खाली मेरे को बुलाने के लिए झूठी बातें, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। तो एक बहन को छोड़ के फिर दूसरी बहन के पास आ गई। मतलब जो क्या कहते हैं, बीच वाले जो भाई बहन होते हैं उनको ये रहता है, बड़ी बहन के साथ भी अटैचमेंट, छोटी बहन। तो मेरा बस यही रहता है, एक प्रियंका के पास, एक दीदी के पास। उसको भी मेरी बहुत ज़रूरत थी, पर प्रियंका अकेली थी यहाँ पे, तो इसलिए मैं जल्दी आना पड़ा। मैंने पापा पे फोन करके और पापा भी कह रहे थे कि चली जाओ चली जाओ, छुटकी अकेले होगी वहाँ पे। ना कॉल और छुटकी को करके। देखो क्या कर रही है, बैठ के छुटकी बैठ के चावल बीन रही, मेरे लिए खाना बना रही है, मतलब परवल और क्या क्या सब रखी हुई है सब्जी बनाने के लिए। दीदी ढेर सारा सामान लेके आएंगे। और मैं दीदी के यहाँ से बहुत सारा सामान लेके भाग बहुत के आई हूँ। जल्दी प्याज ले लूँ तो मुझे क्या हो, तो। मैं सोची 60 रुपए किलो प्याज है, दीदी के घर पे होता है, तो इसलिए मैं वहां से उठा के लेके आई हूँ। ज्यादा नहीं, 5-6 किलो लेके आई हूँ। तो भी हम लोग का वो आराम से 2 महीने तो चलेगा ही चलेगा। और एक गुड न्यूज और है, मैं आप लोगों को शेयर करूँ या नहीं क्या कहते करूँ? दीदी का अरे हाँ, ये भी दिखाना है, प्याज भी लेके आई हूँ और ये लेके आई हूँ, ये पंजीरी। अंगुली बड़ी ढेर सारा कड़ी पत्ता। हाँ, ये धनिया का जो बनता है ना कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन, तो दीदी के यहाँ भोग लगा था, बाकी इतना रह गया था, तो कोई खाता नहीं। तो मैंने कहा कि हम लोग तो वेट ही करते रहते हैं कुछ भी बस मिल जाए खाने के लिए, तो खा ही लेते हैं। और सुबह सुबह अरम्या, उसको मैं बहुत डांटी, पता है तुम्हें, आज अरम्या को बहुत डांट पड़ी मेरे से। कहे मैंने उसको बोला कि बेटा एक बैग दे दो मेरे को, झोला दे दो कोई, क्योंकि मैं कुछ लेके नहीं गई थी। फिर मौसी झोला नहीं है, झोला नहीं है, मेरे को झोला नहीं से। फिर ये वाला एक झोला मिला, फिर उसमें मैं अपना सारा सामान रख के। और झगड़ ली नहीं, दीदी करें। को बता के वही दीदी। और फिर वहाँ से मैं ये लेके आई हूँ सिंगदाना, ये जो पीनट होता है ना अपना, उसको रोज पता नहीं कैसे किस तरीके से लेकिन रोज नहीं, करते हैं, अलग तरीके ये से गुजरात में ही बनता है मोस्टली, तो ऐसा रहता है ऐसा, मतलब मोस्टली ना ये गुजरात में ही बनता गुजरात में ही लोग, वहाँ के ही लोग ही था, खाते हैं। बनता तो है मैं ये तो। लेके आई हूँ, और हाथ से एक सेब बचा था वो भी लेके भाग के आई हूँ। नहीं तो सेब तो खाई बिना कर मैं लूंगी। नहीं, मेरे को फ्रूट्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल भी नहीं। पर अरे मैं कितने खा रही थी ना लगते ऐसे, अरे दो दो सेब था और दो वो था संतरा, तो वो तो कोई खाएगा नहीं, संतरा दीदी खाती है, सेब एक अरम मैं खाई, एक बचा हुआ था, तो मैंने कहा मैं लेके भाग जाती हूँ, पता नहीं क्यों मन कर गया, तो वो सारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ। और दिखाती हूँ प्याज, दिखाती हूँ, वरना आप लोग बोलेंगे बस बोल रही हैं, दिखाइए भी। कड़ी पत्ता दिखा दिए। और कड़ी पत्ता, हाँ कड़ी पत्ते कांड बताती हूँ क्या हुआ। ये देखिए इतना सारा इसमें भर के प्याज, ये सारा प्याज लेके आई मैं। और हाँ, और इतना सारा कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते की स्टोरी बताती हूँ, बहुत ही बहुत ज़्यादा बढ़िया है। उस टाइम मैं आने का कोई भी ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि दीदी के यहाँ कल दोपहर से ही लाइट कटी हुई है, अभी तक लाइट नहीं आया, तो सबका फ़ोन एकदम ऐसे स्विच ऑफ हुआ पड़ा है, कोई फ़ोन चार्ज नहीं था, तो मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। कड़ी पत्ते वाला कांड सुन प्रियंका क्या हुआ बता रही हूँ। दीदी सुबह उठी तो बोल रही थी, मैं मेरे से पूछी कि ये कड़ी पत्ते का क्या है पूरा, इसकी वजह से मेरा फूल खराब हो रहा है बगल का। मैंने कहा कि अगर तुम इसको नहीं काटोगी ना तो ये लंबा सा पेड़ बन जाएगा, तो छोटे पेड़ उसका मुंडी तोड़ती जाओ ताकि नीचे ऐसे घना सा हो जाएगा। बस सुबह उठी नींद से और पूरा जितना कड़ी पत्ते का डंडी था उसको नोच नोच के नोच नोच के तोड़, अरे काटा जाता है ना तरीके से, पूरा तोड़ के फेंक दी। फिर जिया जी आए, देखो देख रही हो तुम, पूरा लेकिन बार कितने लोग बगानी कवर हो ना। हाँ, वहाँ पे हम लोग खूब सब्जियाँ उगाए हैं, आई होप कि सब अच्छे से, हाँ सारे बता जो दे, जितने सीड है सब सुन जर्मिनेट हो सुन जाए अच्छे से। हम कहा ना गई, नहीं बता दे कि पार्सल बता रही हूँ बता रही हूँ। तो क्या हुआ, तो जिया जी आए, देख देख के कड़ी पत्ते का हाल, बोलो अरे बाप रे क्या कहलुआ हो, तो बोल रही है कि मैंने तोड़ दिया क्योंकि बड़ा सा पेड़ हो जाएगा, अब मैं डर गई मेरा नाम आएगा इसमें। मैंने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं बोला था। तो फिर दीदी बोली अब क्या होगा अब क्या होगा, फिर मैंने जिया को बोला कि आप इसको काट दीजिएगा अभी भी, तो फिर पूरा अच्छे से हो जाएगा सारा चीज़ पहले जैसा। और कलंदर दीदी रात भर नहीं सोई, रात भर को। मच्छर मच्छर मार रही थी उठ उठ के, अरे बहुत गर्मी है बहुत गर्मी, एक तो गर्मी ऊपर से इतना ज़्यादा मच्छर, इतने ज़्यादा मच्छर, और हम लोग कैंडल जला के, आप उसका ब्लॉग देखिएगा, हमने दिखाई उसमें मैंने रिकॉर्ड किया थोड़ा बहुत कि हमने कैसे कैंडल जला के पूरा खाना बनाया था। नहीं किए रिकॉर्ड क्योंकि फ़ोन ही चार्ज नहीं था मेरा, 2% चार्ज था बस, वो भी मैंने स्विच ऑफ करके रखा हुआ था कि बस वाले का फ़ोन आएगा, तो मैं सुबह उठ के उसको ऑन की, 2% चार्ज था आने के लिए, बस वाले को फ़ोन करना होता है ना उसके लिए। तो ये कांड हुआ। फिर दीदी
मेरे को 250 रुपये दी, बोल रही है तुम्हारे बर्थडे में नहीं आऊंगी मैं। हाँ तो गुड न्यूज ये था कि मेरे बर्थडे का ड्रेस आ चुका है, पता है? और मेरे ये क्या, प्रियंका इसलिए हम मेरे साथ दीदी के साथ नहीं जा पाई क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हमारे पार्सल आने वाले थे, तो बार बार किसी को बोलना कि आप ले लो अच्छा नहीं लगता है, तो इसको हमने पार्सल कलेक्ट करने के लिए छोड़ दिया था। अभी 10 तारीख को मेरा बर्थडे है, 20 तारीख को रम्या का, तो दोनों की तैयारी चल रही है। दीदी बोले मैं तुम्हारे बर्थडे में नहीं आऊंगी, मैंने कहा प्लीज दी एक दिन के लिए आ जाना बस, देखते हैं क्या होता है। ये प्रियंका ये वाला चावल मत बनाओ यार प्लीज, मुझे नहीं अच्छा लगता है, इसको खीर वीर बनाने के लिए रख दो। क्या इसको सोना चूर कहते हैं चावल को, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ मुझे खुशबू नहीं खाना है, उसको रख दो ना। तो मेरे बर्थडे का ड्रेस आ चुका है और मेरे को इतने सारे सब लोगों ने गिफ्ट दिया, प्रियंका ने, दीदी ने, रम्या ने, सब ने गिफ्ट दिया है। चला बोले तुम्हारे कर्जा निकाल के फिर वो गिफ्ट दूँ, तो ना मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी किसने क्या क्या गिफ्ट दिया हुआ है, ठीक है? और मेरा बर्थडे मेरा है और मेरे से महंगा अच्छा वाला ड्रेस प्रियंका आपने लिए खरीदी है। हाँ ठीक है, मेरे को लग रहा है तो मेरे को ही लग रहा है, तुम क्यों बोल रही हो? और मैंने अपने लिए मोती का नेकलेस मंगवाया, इतना फनी लग रहा है ना, पूरा लुक इतनी फनी लग रही है, मैं क्या ही बताऊँ। और सारी चीजें आ चुकी है, तो बस मेरा बर्थडे आने वाला है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने हर साल और मेरे बर्थडे में मैंने अपनी सारी जितनी भी मेरी सहेलियां हैं सबको मैंने बुला लिया है, आयुषी, रितिका, कौशिक, सबको मैंने बुलाया हुआ है, 10-15 लोग। हाँ दीदी है, दीदी की जो दोस्त लोग हैं उन लोग को भी बुलाया हुआ है, जो लोग रह गए उनको बाद में दीदी बुला लेगी, ये तो होता ही रहता है। मेरे बर्थडे में बहुत मजा आता है, तो प्रियंका भी लगी पड़ी है खाना बनाने में, मैं बहुत खुश हूँ। मैं आई तो क्या शौक हूँ देख के, प्रियंका उठ चुकी है भाई साहब नींद से और चूल्हे पे वो दाल चढ़ाई थी, हाथ धो गए, मजा आ रहा है। मैं कितना बड़बड़ बड़बड़ किए जा रही हूँ यार, ये वीडियो बहुत बोरिंग हो जाएगी, मुझे प्लीज़ माफ़ करिएगा, मैं बिल्कुल भी चुप नहीं हो पा रही हूँ, सॉरी, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद अपनी गुड़िया रानी से मिली। अब जैसे मैं घुसी इतना खेली है ना मेरे साथ, इतना खेली है, बहुत खेली है, बहुत खेली मेरे साथ। हाँ अभी याद ही नहीं आया कि हम लोग अभी वीडियो बनाने लग गए हैं, ये सब भूल गए थे, अभी याद आया कि चलो वीडियो बनाते। प्रियंका तुम कुछ बोलना चाहो कि मेरे बिना कैसा रहा तुम्हारा जीवन? मेरे को ना हमेशा धमकी देती, भाग जाना, चली जाना मेरे को, छोड़ो मेरे पीछा, छोड़ो मुझे अकेले, छोड़ दो जैसे, छोड़ो दीदी कब आओगी करती हूँ, 2 दिन ही रहती है पूरी औकात पता चल जाती है। ए मैडम आप बोलोगे आज के बाद जाने के लिए? प्याज काट प्याज काट रही है, पहली बार हमको प्याज लगा था। चल ठीक है बता ना प्रियंका, मेरे बिना तुम्हें कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था कुछ टाइम तक, एक दिन अच्छा लगता है फिर दूसरे दिन एकदम। वो टिफिन वहाँ पड़ा हुआ क्यों नहीं उसको साफ कर रही हूँ? कचरा मैंने फेंक दिया है पूरा, साफ करना पड़ेगा। घर अभी भी चमक रहा है। हाँ मैं आई तो घर एकदम देख रहे हैं पूरा फर्श वगैरह सब कुछ, और सब कुछ बेड वेड एकदम अच्छे से प्रॉपर लगा के प्रियंका साफ सफाई करके रखी हुई थी, तो ये चीजें भी अच्छी लगी। चलो ठीक है प्रियंका, अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं वीडियो खत्म कर दूंगी यहीं पे। ये दीदी कमेंट में बहुत सारा कलरफुल कमेंट आ रहा है। क्या क्या कमेंट आ रहा है बताइए, कौन है वो लोग जो हम लोग को गलत कमेंट कर रहे हैं? प्लीज धमकी वाली बात नहीं, ठीक है? तो अभी मैं बनारस आ चुकी हूँ मेरी बहन के पास, अभी कोई दिक्कत नहीं है, बस शांति दी की थोड़ी सी याद आ रही है। तो इस हफ्ते बहुत ही कुछ होने वाला है क्योंकि मेरा बर्थडे आने वाला है, तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी, बहुत ही अभी शॉपिंग और भी चीजें करनी है। हाँ तो क्या हुआ, 300-400 रुपये नहीं होते? चलो ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही बोरिंग हो चुका है, माफ करिएगा पर इंजॉय करिएगा। चल ठीक है ले लेना, 300 रुपये के लिए वो हो रही है। हाँ एक चीज और, मैंने ना दीदी के लिए, दीदी को बताया नहीं हुआ है, दीदी के लिए बहुत ही अपने बर्थडे पे सरप्राइज गिफ्ट मंगाया हुआ है, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर सा कार्ड में तो जुड़ा रहा, मैंने ऑर्डर कर दिया उसके लिए। सेम नंबर से, मतलब एक ही इसके फोन में भी उसी नंबर से, मेरे फोन में भी उसी नंबर से। ओह गॉड, तो मैंने सरप्राइज प्लान किया है शांति दी के लिए, शायद उसको अच्छा लगे। तो सुनना हंसी वाली बात, बस गूगल पे अलग बात, फोन पे हम नहीं करते, वो भी मेरी दीदी ना धीरे से खोल खोल के देखती रहती है पैसा।
ठीक है ठीक है, बड़ी बहन का काम होता है सबका फोन चेक करना, तो मैं अपना काम करती हूँ। दीदी वो भूली है ना। तो ठीक है, अभी ये वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, जो लोग अच्छे नहीं हो अच्छे हो जाइए, क्योंकि एक छोटा सा जीवन है, क्या रखा है इसमें, आज है कल नहीं है। जितने भी दिन है उसको अच्छे से इंजॉय करिए, खूब मेहनत करिए, खूब तरक्की करिए, और मैं बड़ों को रिस्पेक्ट दीजिए, छोटों को प्यार दीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब ख्याल रखिए। बाय 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 बोल दो।